एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी मार्च मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये मार्च का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। और यस, इसमें ये भी बताया जाएगा कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपको इस महीने के लिए क्या गाइड कर रहे हैं, क्या सावधानियाँ बरत सकते हो आप, ठीक है। और इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूं कि प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें मार्च मंथ के लिए, इस महीने के लिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। और यहाँ पर जो भी मैसेज डिलीवर किए जा रहे हैं ना, आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि वो मैसेज कहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर रिसीव कीजिए। पॉजिटिव रहिए, ओपन रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए। और अगेन बोलूँगी, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हों और कुछ चीज़ें नहीं हों, तो जो नहीं हों उन्हें छोड़ दें, दूसरों के लिए हो सकती है वो चीज़ें, और जो चीज़ें हों उन्हें आप ले लें, ठीक है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की, जय मेरी प्यारी माँ दुर्गा। इस बताएं जितने भी आपके बच्चे एरीज मेष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, मार्च 2024 कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है आपके बच्चों के लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो स्टेबिलिटी तो मुझे दिख रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है, बट कुछ नया करते हुए आप लोग नहीं नज़र आ रहे हो इस महीने, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पर हो, जैसे हो, वैसे ही अपने आप को सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। किसी प्रकार का आप रिस्क नहीं ले रहे हो, ना ही रिस्क लेने के किसी तरह के मूड में हो, ठीक है। अगर लेना भी चाहोगे, मतलब कहने का कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना भी चाह रहे हो ना, तो भी आप अपने मतलब जहाँ पर हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि माइंडसेट में आपकी प्लानिंग चलेगी बहुत कुछ करने के बारे में, कि यस ये कर लूँ, वो कर लूँ, या इस तरफ आगे बढ़ जाऊँ, यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ, वहाँ कर देता हूँ, मतलब जो भी कुछ आप सोच रहे हो, बट उस तरफ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, क्योंकि ये थोड़ी सी ना मतलब रिजर्व्ड एनर्जीज है, या फिर मैं कहूँगी अपने कंफर्ट जोन में रहने के एनर्जीज है, ठीक है। कुछ नया हो रहा है, एक्साइटिंग हो रहा है, ऐसी कोई एनर्जीज यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। बाकी हम आगे के आपके कार्ड्स देखेंगे, उस तरीके से आपको गाइड करेंगे कि आपको बेसिकली करने की क्या ज़रूरत है। आप जहाँ हो, जैसे हो, वहाँ पर ठीक हो, मतलब कुछ ज़्यादा चेंजेस लाने का आपका मूड नहीं रहेगा इस महीने, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, ठीक है। और मनी ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा लग रहे हो, करियर ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड, पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न यहाँ पर दिखाते हुए नज़र आ रहे हो। और पैसे सेव करके रखना, बचा करके रखना, ये माइंडसेट आपका इस महीने बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ओके ओके। मैं कहूँगी अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा भी करते हो ना, तो ये मंथ आप ज़्यादा खर्च करने वाले हो नहीं, एक कंजूस वाली एनर्जीज में रहने वाले हो कि ठीक है मैं अपने पैसों को बचा करके रखूँ, ये वो वाली एनर्जीज है। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग कुछ बड़ा सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, अभी ये सबके लिए अलग अलग मैसेज कनेक्ट होगा, कि कोई अपनी मैरिज के लिए, कोई कोई अपना ड्रीम होम खरीदना चाहता है, ठीक है, सपनों का घर खरीदना चाहता है, कोई कुछ कोई शॉप आप बाय करना चाहते हो, ठीक है, कोई बिल्डिंग कोई फ्लैट आप बाय करना चाहते हो, उसके लिए जैसे सेविंग चल रही है, मुझे ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब ये मंथ ना आप सेव कर रहे हो, चीज़ों को सेव कर रहे हो, ओके। थैंक यू माँ, प्लीज़ बताएं किस एनर्जीज में रहेंगे आपके बच्चे मार्च 2024 में एरीज मेष राशि। देखा मनी ओरिएंटेड, पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है, माइंडसेट कैसा रहने वाला है माँ। बहुत ज़्यादा सोच विचार है किसी चीज़ के बारे में, पैसों को लेकर के, पैसे नहीं उतने आपके हो रहे, मैं कह रही हूँ ना
कि बहुत ज़्यादा आप पैसों को लेकर के, सेविंग को लेकर के बहुत कंसर्न रहोगे अभी शादी के लिए, घर बनाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ऑल एंड ऑल मतलब स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, कुछ ऐसा काम बड़ा उसके लिए आप लोग जो है यहाँ पर पैसे सेव कर रहे हो, उसको लेकर के कंसर्न दिखा रहे हो, उसी एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हो। तो ऐसा नहीं है कि आप पैसे बना नहीं रहे हो, मनी वाइज बहुत अच्छा मंथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप लोग भी मनी अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, बट टेंशन भी साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ले रहे हो। अगेन बोलूँगी, ये नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ना ये बताती है कि आप बेफजूला टेंशन ले रहे हो माय डियर, ठीक है। चीज़ें अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी चीज़ें सही चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ आ नहीं रहा है, फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप कमा रहे हो, चीज़ें आ रही हैं। इवन अगर आप किसी से सपोर्ट भी मांगना चाहोगे ना, कोई फीमेल आपके घर हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ लोगों के केसेस में बोलूँगी, जर्नल रीडिंग है, तो कोई फीमेल फिगर, कोई मदरली फिगर भी आपको सपोर्ट कर सकती हैं, आपकी वाइफ आपको सपोर्ट कर सकती हैं, या कोई सिस्टर, आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, वो आपको सपोर्ट कर सकती हैं अगर आप उनसे मांगो तो। तो कहने का मतलब इतना टेंशन लेने की बात है नहीं है माय डियर, डिवाइन आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो इतना ओवर थिंक मत करो, इतना स्ट्रेस में मत जाओ, इतना ज़्यादा मत सोचो कि कैसे होगा, कैसे करूँगे या कैसे करूँगा, ठीक है, ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। तो नेगेटिव थिंकिंग में आपको नहीं जाना है, नेगेटिव सोच में आपको यहाँ पर नहीं जाना है, जितना पॉजिटिव सोचोगे ना उतनी ही पॉजिटिवली चीज़ें जो हैं आगे बढ़ेंगी। ओके, यस, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड और पैसों को लेकर के बहुत कंसर्न आप ये मंथ दिखाने वाले हो, ठीक है, पूरा फोकस आपका इसी चीज़ पर रहने वाला है। ओके, लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स में प्लीज़ बताएं। एरीज मेष राशि वालों की क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन क्वीन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, फेमिनिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। करियर कैसा रहेगा एरीज मेष राशि वालों का मार्च 2024 में? दो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, ओके, दैट इज़ वाई आप लोग बहुत ज़्यादा ना वो कर रहे हो। देखो ये भी कार्ड आया है, टेन ऑफ सोर्ड्स और स्टार की एनर्जीज आई है भाई। ओके, हेल्थ कैसी रहेगी एरीज की माँ प्लीज़ बताएं, हेल्थ कैसी रहेगी एरीज की मार्च 2024 में? डेथ कार्ड, ओके, आप रेजिस्टेंस में हो, तभी ना ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा कर रहा है, खींच रहा था अपनी तरफ कि आप रेजिस्ट कर रहे हो, कुछ आप चेंज लाना नहीं चाह रहे हो, कुछ चीज़ें बदल रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बट आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो, आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं जहाँ था जैसा था वो वहाँ ठीक था मैं, ठीक है, ये वो वाली एनर्जीज भी है। ओके, स्पिरिचुअलिटी, फोर ऑफ सोर्स, ऑब्स्टेकल या चैलेंज क्या रहने वाला है आपके बच्चों के लिए, एरीज मेष राशि वालों के लिए प्लीज बताएं। थ्री ऑफ सोर्स क्लियर हो रहा है आपके लिए, इसमें गाइडेंस बहुत है, ओवरऑल गाइडेंस का देना चाहूँगी मैं यहाँ, प्लीज़ बताएं। सेवन ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो माई डियर, हाँ जी, या तो आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ मतलब चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप अपने करियर फील्ड में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हो सकते हो, कोई पॉलिटिक्स आपके खिलाफ चल रही है, या फिर आपके माइंड में ये आपके इनर कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, या फिर वर्क एरिया में भी हो सकता है, ठीक है, आपके लव एरिया में भी हो सकता है। ओवरऑल आप देखो, आप तो चाह रहे हो कि आप रेडी नहीं हो यहाँ पर, ठीक है, आप किसी तरीके के चेंज के लिए रेडी नहीं हो। देखो मैंने भी अभी अपना पोस्चर कैसे बना लिया, ठीक है ना, वही आपकी एनर्जीज में पिक कर रही हूँ कि नहीं, मैं जहाँ हूँ जैसा हूँ वैसा बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए, ठीक है, बट यहाँ आप नहीं चाह रहे हो ना,
लेकिन डिवाइन आपको आपके कंफर्ट जोन से ना बाहर खींच रहे हैं, आपको आपके उस जोन से बाहर खींच रहे हैं, आपको वहां लेकर जा रहे हैं जो आप वाकई में डिजर्व करते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत कुछ बुरा डिजर्व करते हो, डेफिनेटली ये प्रोसेस उस दौर से गुजरेगा, बट आपको उस दिशा में लेकर जाया जा रहा है जिन ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करने के लिए यहाँ पर इनकार्नेट हुए हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस एटीट्यूड से बाहर आओ। ठीक है, जो चीज़ें हो रही हैं ना, गोइंग विद द फ्लो रहो, और जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें आने दो, जिसे जा रही हैं उन्हें जाने दो। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट के लिए आपको यहाँ पर रेडी रहने की ज़रूरत है। ओके, एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको यहाँ पर रेडी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में नहीं थे। दैट इज़ वाई आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घट रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, आपका दिल दुखेगा यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बोलूँगी, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करूँगी गाइस। ठीक है, जो मुझे मेरे कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगी, बट ये प्रोसेस बहुत तकलीफ दे रहेगा। ठीक है, आपको हर्ट करेगा। ठीक है, आप दुखी हो सकते हो, बट ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो अचीव करने के लिए यहाँ पर आए हो ना, उसे आप पा सको। कुछ ऐसे, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई एक राइट पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं है, या फिर जो करियर आप पाना चाहते हो, जो मुकाम आप पाना चाहते हो, वो आपके करियर आपके पास नहीं है, तो उसका रीज़न यही है कि कुछ अनवांटेड चीज़ें आपके पास हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर, आपके आसपास, जिन्हें आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, जिन्हें आप पकड़ के जकड़ के बैठे हो। तो ये एनर्जीज आपको यही बता रही है कि इस मंथ में वो चीज़ें होंगी कि आप आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, आपको बिल्कुल, अगर मैं ये बात बोलूँ ना कि ये मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों के लिए, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होगा कुछ ऐसा करना। देखो, ये स्टार का कार्ड इसके साथ आया है, इट मीन्स देखिए ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं। यहाँ आप होप खो रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है ये करियर के लिए आपका। ठीक है, करियर में कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में कि जैसे हो सकता है या तो आपको रिसेंट पास्ट में किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है, कोई जॉब गई है, बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है, ख़त्म हुआ है कुछ आपके करियर में। ठीक है, बट या फिर अभी ये मंथ में हो रहा है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि दोनों कार्ड आए थे, ये पीछे था कार्ड, राइट, तो अभी आपने अकॉर्डिंगली आप इसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, आप जो समझ रहे हो ना कि आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है, या आपके लाइफ में, आपके करियर में वो सब कुछ खत्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। आपके पास वो पावर है कि आप एक बंजर जमीन पर भी ना आप सोना उगा सकते हो। ठीक है, आप दोबारा से फ्रूट्स को लेकर के आ सकते हो, आप उसे भी उपजाऊ बना सकते हो। मतलब आपके अंदर वो टैलेंट है, जहाँ सब लोग फेल है ना, वहाँ पर आप वो काम करके दिखा दोगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेस ऐसा है कि जो किसी कोई कर रहा है, उससे नहीं चल रहा है, वहाँ पर आप उसे फ्रूटफुल बना दोगे। तो बेसिकली आपको अपने अंदर की होप, अपने अंदर की पॉजिटिविटी, अपने अंदर के टैलेंट से कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है इस वक्त में। तो इस वक्त में आपको होपलेस नहीं होना है, ये मार्च मंथ आपको यही बोल रहा है, आपको होपलेस नहीं होना है, आपको पॉजिटिविटी के साथ, होप के साथ, डिवाइन पर ट्रस्ट करके आपको आगे बढ़ना है और दोबारा से खड़े होना है। ठीक है, अपने इमोशंस वहाँ डालने हैं, ये इमोशन लेस फीलिंग चीज़ें आ गई कि आप इमोशन लेस हो गए। ठीक है, आपके करियर में भी, जब तक आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे ना, जब आप अपना 1000% नहीं दोगे, तो चीज़ें ग्रो कैसे करेंगी। हम कोई पेड़ को उगाते हैं, कोई पौधा, हम कोई बीज डालते हैं, तो हम अपने इमोशंस भी तो बीज में डालते हैं, वो कैसे, तभी तो हम उसको पालते हैं, पोषते हैं, उसको खाद देते हैं, उसको पानी देते हैं, तब जा करके वो बड़ा होता है, क्योंकि हमारा दिल, हमारा इमोशंस भी उसके साथ कनेक्टेड है, तभी तो हम उसकी इतनी देख रेख कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ भी आपकी मांगी जा रही है कि ये जो भी काम है ना, ये जो नई शुरुआत है कि आपकी इमोशन से आपको मांग रही है, आपकी इमोशंस भी मांग रही हैं कि आप इमोशनली भी कनेक्ट हों। ठीक है, ऊपर ऊपर से काम नहीं करना है। अगर आप ऊपर ऊपर से काम करोगे कि हाँ मेरे साथ ये बुरा हो चुका, मेरी जॉब चली गई, मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया, या मुझे ये लॉस हो गया, मुझे ये चीटिंग मिल गई, मेरा ये सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं अब नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे बोला जा रहा है मैं स्टार्ट कर देता हूँ, पर मैं उतना कनेक्टेड हूँ नहीं, तो फिर वह वो चीज़ काम नहीं करेगी। आपको बोला जा रहा है कि आपको इमोशनली कनेक्टेड भी होना है, वहाँ पे दिल से काम करना है, आपको दिल से शुरुआत करनी है। जब आप दिल से शुरुआत करोगे ना, तो फिर आप देखोगे कि आपके लिए राहें भी बनाई जा रही हैं आपकी तरफ। कोई ना कोई, देखो अगर ये चीज़ ख़त्म हो रही है ना, तो डिवाइन आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भी भेज रहे हैं,
और एक नहीं कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, स्टार्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ में ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है। बट अगर आप इमोशनल बैलेंस नहीं होंगे, आप अपने अंदर से बैलेंस नहीं होंगे, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करोगे, है ना? क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या है, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी से, जो कि बता रहा है ऑप्शंस आपके पास बहुत आने वाले हैं, तो इसे वाइजली चूज़ कीजिए। ये इंसान भी नेगेटिव है, जैसे कि आप हो रहे हैं नेगेटिव, है ना? तो आपको नेगेटिव नहीं होना है। जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे, जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे और अपनी चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना स्टार्ट नहीं करोगे, पॉजिटिवली अपने आप को खड़ा नहीं करोगे, तब तक आप कैसे मतलब इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे, राइट? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर जो वो डिवाइन है ना, उनके साथ कनेक्ट होना है, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जगाना है, होप को जगाना है, डिवाइन पर ट्रस्ट करना है, एक नई सिरे से एक नई शुरुआत करनी है। क्योंकि ये वक्त मैं नहीं चाहती कि मैं क्या नहीं चाहती डिवाइन नहीं चाहते कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आप उन्हें छोड़ दें, ओके? तो करियर को लेकर के थोड़ा सा डेफिनेटली डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम पीरियड है, बट इस प्रोसेस को ना नेगेटिवली मत लीजिएगा। अगर कोई जॉब चली गई आपकी, या कुछ नुकसान हो गया, बिजनेस लॉस में चला गया, कुछ भी ऐसा फेलियर अगर आपको मिलता है, या कोई चीटिंग आपको मिलती है जिस वजह से कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो इट मीन्स आपको दोबारा से खड़ा होना है, आपको अपने ट्रू सेल्फ में दोबारा से टैप इन करना है और दिल से काम करना है, और करके देखिए, अगर आप ना सफल हो गए तो मुझे बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है? और ऐसा भी है, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो सिचुएशन हो रही है, क्योंकि ये डेस्टिनी का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, ठीक है? हो सकता है आप उस फील्ड में नहीं हैं, या फिर आप उस पथ पर नहीं हैं जो काम आप यहाँ पर करने आए हैं, जिसे कहते हैं ना जो हमारा लाइफ पर्पस होता है, ठीक है? जो आपने काम चुना था आप वो काम करोगे, शायद आप उस पथ पर नहीं हो, और मे बी इसके बाद ना अब आप वहां पर डाइवर्ट हो रहे हो, ठीक है? आप कुछ अलग कर रहे हो, आप अपने मन का वो, जिसे कहते हैं मन का काम करना, मन की जॉब करना, ये वो एनर्जीज है, तो उस तरफ ले जाने के लिए ना ये काम होना ज़रूरी था। शायद आपको ऐसे चांसेस मिले होंगे, आपको ऐसे ऑप्शंस दिए गए होंगे डिवाइन की तरफ से, बट आपने छोड़ा नहीं, वहाँ पे चीज़ें खराब हुई होंगी, आपको ऐसा लगा होगा आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, ठीक है? या फिर जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मुझे फाइनेंशियल यहाँ पर मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं क्यों अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करूँ, क्यों उस लेकर आऊँ चेंजेस करके, राइट? तो क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में नहीं, आपके दिल दिमाग में हर जगह आपके मनी है ना? तो आपको लगा कि जो चल रहा है चलने दो, पैसा तो आ ही रहा है, सब कुछ ठीक तो चल ही रहा है, तो मैं क्यों चेंजेस लेकर के आऊँ? तो आपको इस कंफर्ट जोन से निकालने के लिए ना यहाँ पर ये सब कुछ क्रिएट किया गया है। तो ऐसे में आपको और ज़्यादा नेगेटिव सोच सोच कर चीज़ों को क्रिएट नहीं करना है और बुरा, ओके? आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी इस महीने, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, डिवाइन सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको अपने आप को उठाना है इस सिचुएशन से, आपको बाहर आना है, इसी ऊर्जा में आपको नहीं रहना है, ओके? क्योंकि इस महीने कुछ तो ख़त्म है कुछ तो ख़त्म है, आप रेडी नहीं हो, आप रेडी नहीं हो ख़त्म करने के लिए और नई शुरुआत करने के लिए, आई थिंक आप में से कुछ लोग, बट यहाँ पर डिवाइन आ चुके हैं, अभी वो एक्शन ले रहे हैं, अब वो रुकेंगे नहीं यहाँ पर, ओके? जैसे कि आप प्रार्थना कर रहे हो कि ठीक है नहीं, रहने दो रहने दो, ये नहीं होना चाहिए अभी भी, लिटरली अगर आपकी लाइफ में ये चेंजेस ये बदलाव नहीं आया ना, तो आप ये रीडिंग को देख करके शायद आप में से कुछ लोग ये बोलो कि नहीं ये चेंज नहीं आना चाहिए, मुझे नहीं एक्सेप्ट करना, मुझे नहीं चाहिए, मैं जहाँ हूँ जैसे ही हूँ या जैसा हूँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन डिवाइन कह रहे ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, आप आगे आने वाले सूरज को नहीं देख रहे हो, सक्सेस को नहीं देख रहे हो, वो आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है? तो उस तरफ जाने के लिए आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, इस डेथ के दौर से गुजरना पड़ेगा, इस दर्द से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है? और ये दर्द ही आपका जो है चैलेंज है, ये दर्द ही आपकी ब्लॉकेज है इस महीने, कि आप इसे इससे उबर करके एक नई शुरुआत कर पाओ। डेफिनेटली आप एक ह्यूमन बीइंग हो, हम लोग इतनी जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ऐसी सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाते हैं, बट यहाँ आपको खड़ा होना है। अगर आप यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो यहाँ पर डिवाइन आपको इस रीडिंग के माध्यम से यही बता रहे हैं कि बेटा आपको यहाँ से बाहर आना है,
ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ रही है पर वो आपके अच्छे के लिए है। एक चीज़ तो हमारी लाइफ में घटित हो रही है, हमें पता ही नहीं ये हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है। और एक आपको वो प्रोसेस आपको पता चला कि ये प्रोसेस ज़रूरी था मेरी लाइफ में, इसका एक रीज़न है। ठीक है, तो आपको इसे हील करना है, सिचुएशन से बाहर आना, इसे ब्लॉकेज नहीं बनाना अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ आपके अंदर चलता रहेगा, बहुत कुछ चलेगा, बहुत कन्फ्लिक्ट है, मतलब बहुत कुछ दिमाग में समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। कंपटीशन में भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो, आपके करियर फील्ड में बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, बहुत मैं यहाँ पर बहुत चीज़ें यहाँ पर देख रही हूँ, कन्फ्लिक्ट बहुत देख रही हूँ। ठीक है, इनर कन्फ्लिक्ट हो सकता है या आपके बाहरी रूप से। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, बट आपके पास वो स्ट्रेंथ है, वो करेज है आपके पास, वो पावर है आपके पास, बस आपको उसको यूज़ करना है, उसे बाहर निकालना है, यहाँ पर बोला जा रहा है आपके पास। देखो मे बी आप देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स ना, इस स्टार का कार्ड एक चूजन वन की बात करता है। ठीक है, ये चूजन वन का कार्ड है। चूजन वन जो स्टार सीड्स होते हैं उनका पर्पस बहुत बड़ा होता है इस लाइफ टाइम में। ओके, और उनको तो ये दुख मैं कहूँगी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे दुखों से होकर के गुजरना पड़ता है क्योंकि यही तो उनका लाइफ एक्सपीरियंस है, यहीं से तो वो एक्सपीरियंस लेकर के यहाँ तक आते हैं, है ना, क्योंकि वो चूजन वंस हैं, उनको चुना गया है। ओके, और आप में भी आप के अंदर वो एबिलिटी है, आप हीलर्स हो सकते हो। ठीक है, हो सकता है ये चीज़ आपने ओपन कर रखी है या आपको पता ही नहीं है, या फिर आप जस्ट अट्रैक्टेड फील करते हो लेकिन आप जहाँ पर कर रहे हो ना वहाँ से हट नहीं रहे हो। आप हीलर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका पर्पस क्या है ना, कि आप लोगों को किस, आप लोगों को हील कर पाओ। ये एनर्जीज है। मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ आपके लिए जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स निकला है रिलेशनशिप के लिए, उसको थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ। हर्मिट, फाइव ऑफ पेंटिकल, ओके, ये कार्ड, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं पर ये सारे कार्ड्स ना ये बता रहे हैं, देखो अगेन यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ट्स है, पहले भी मुझे एट ऑफ वॉन्ट्स दिखा है, तो डेफिनेटली ये मंथ ना आपकी लाइफ में जितना आप चाह रहे थे ना कि चीज़ें जो चल रही हैं जैसे चल रही हैं वैसे ही चले, ठीक है, बट ये आपके मंथ, इस मंथ में बहुत कुछ चलने वाला है। देखो पहला कार्ड तो आपके रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है, कोई ना कोई एक बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो अभी, वो डिसीजन क्या, देखो यहाँ पर आ रहा है हर्मिट, देन है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी एस ऑफ वॉन्ड एंड एट ऑफ कप्स। देखिए आप लोग ना इस महीने किसी रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा। एक अगर आप लोग कपल्स भी हो तो मुझे ना यहाँ पर एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन नज़र आ रही है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है एक पर्सन को, अभी ये मैं यहाँ पर क्योंकि एग्जैक्टली लव रीडिंग में नहीं जा रही हूँ, तो जो कि मैं फीलिंग्स वगैरह की बात करूँ तो आप या आपके पार्टनर, हो सकता है दोनों में से कोई एक ने चीटिंग करी है। ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है, कहीं ना कहीं आपको दुख दिया है, ठीक है, इस रिश्ते में। तो बेसिकली आपने बहुत इंतज़ार करा किसी चीज़ के ठीक होने का, या उनके आने का, या उनके कमिटमेंट देने का, स्टेबिलिटी लाइफ में आने का, बट वो चीज़ आपको मिली नहीं। तो अब आप बिल्कुल पूरी तरीके से ना रेडी हो एक बोल्ड डिसीजन लेने के लिए, एक बोल्ड एक्शन है ये, बोल्ड डिसीजन आप बना रहे हो यहाँ पर, आप मूव ऑन कर रहे हो किसी रिश्ते से, ठीक है, जो आपको सर्व नहीं करता, जो आपकी सक्सेस में यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। आप ऐसे सिचुएशन से यहाँ पर मूव ऑन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे आप अपने अपने अंदर से कनेक्ट हो रहे हो, आपको जैसे होता है ना कि अंदर से वो आवाज़, वो गाइडेंस आपको मिल रही है कि नहीं अब आपको ये एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल भी हो,
यस आप बहुत स्पिरिचुअल पीपल्स हो, ठीक है, ओल्ड सॉल हो, और आपका पर्पस बहुत बड़ा है। अगेन बोलूंगी, अगर आप ये पूछोगे ना जो लोगों के साथ ये हो रहा है, अगेन बोलूंगी जिनसे ये रेजोनेट हो ना वही लें। हो सकता है ये आपके लिए ना हो, किसी और के लिए हो, अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपके मन में उठा है कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, तो मैंने आपको क्या बोला कि आपका पर्पस बहुत बड़ा है, आप यहाँ पे कुछ बड़ा करने आए हो। अगेन हर्मिट की कार्ड भी यही बोल रही है, ठीक है, कि आप लोगों को यहाँ पर रास्ता दिखाने आए हो, गाइड करने आए हो, ठीक है, कंसल्ट उनको इस फील्ड में आप लोग हो सकते हो। तो जब तक आप ऐसा है खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तब तक आप कैसे उस चीज़ को देखोगे या आप कैसे किसी को गाइड कर पाओगे, ठीक है। तो एक हीलर बनना इजी नहीं है, आप वो सब चीज़ें फेस करते हो, प्रैक्टिकली आपकी लाइफ पे वो चीज़ें आती हैं, ऐसे लेसन्स, ऐसे चीज़ें, ऐसे टास्क आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को फेस करते हो, देन आप इस पोजीशन पर आते हो, ओके। तो डेफिनेटली ये अभी किसी रिलेशनशिप के लिए बहुत टफ टाइम पीरियड है। अगर जो लोग यहाँ पर मैरिड भी है, दो केसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, या तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर आप लोगों का सिचुएशन जो है एक डाइवोर्स लेवल तक जा रहा है, ठीक है, कि आप लोग ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लेने के बारे में सोच सकते हो इस महीने कि सब खत्म। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा सामने वाला पर्सन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है, वो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता है, ठीक है, मैंने जितना किया, मैंने जितने एफर्ट्स डाले हैं उसकी कदर नहीं की जा रही है। तो जैसे कि आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, अभी तक जो आपने एक डिसीजन नहीं लिया ना, तो वो एक मेजर डिसीजन, एक बोल्ड डिसीजन आप लेने वाले हो, मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, ठीक है, और अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो तो हाई चांसेस है कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही फाइटिंग वाली एनर्जीज है, लड़ाई झगड़े वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में भी, ओके। ओके, हेल्थ की अगर बात की जाए, यहाँ पे डेथ कार्ड है हेल्थ को लेकर के। माय गॉड, देखो मैं क्लैरिफायर चाह ही रही थी यहाँ पर। तो डेथ का कार्ड यहाँ पे अगेन यही बोलता है कि हेल्थ को लेकर के ना कोई चीज़ है, अगर आप किसी तरीके के हेल्थ इश्यू से गुजर रहे थे ना, तो आपकी हेल्थ यहाँ पर अब इम्प्रूव होने वाली है। डेथ कार्ड ये बताता है कि पुरानी चीज़ ख़त्म हो रही है और अब एक नया जन्म हो रहा है, ठीक है। कोई ऐसे सिचुएशन में आप स्टक थे या आप अपनी हेल्थ इश्यूज़ में इतने कन्फ्यूज थे कि ये चीज़ ठीक होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता यहाँ पर दिखाई देगा, या आप कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कोई अदर चीज़ को यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अगर आप एलोपैथी लेते हो तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप आयुर्वेदा में जा रहे हो, या फिर कि आप किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिस वजह से कि आपकी लाइफ में जो है ना आपको राइट डायरेक्शन मिल रही है और आपकी हेल्थ यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर जिनका कोई हेल्थ इशू नहीं है, आप लोगों को बोला जा रहा है कि कोई ऐसा रूटीन आप पास्ट का फॉलो कर रहे हो जिसको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है इस महीने। अगर आपने उसको चेंज नहीं किया तो वो आपकी हेल्थ पर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है कुछ नया स्टार्ट करें, हेल्दी रूटीन को फॉलो करें, जो पुरानी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, कोई ऐसा रूटीन अगर आप फॉलो कर रहे हो, कुछ भी अनहेल्दी रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, तो उसको यहाँ पर चेंज करने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पर ओवरऑल जो मैं आपको बोल रही थी कि ये जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग निकल रहे हैं, डेफिनेटली उसके बाद आपके लिए यहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और आप अपने लाइफ पर्पस को यहाँ पर जी रहे हो, आपको वो सक्सेस यहाँ पर मिलेगी, जो आप यहाँ पर अचीव करने आए हो वो चीज़ को आप पाने वाले हो, ठीक है। बट इस प्रोसेस से निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लिटरली ये लाइफ पर्पस का ही कार्ड है कि आपको इस बात पर लेकर के आया जा रहा है, आप आ नहीं रहे थे तो आपको पकड़ के लेकर आया जा रहा है, और इसमें आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में, ये वक्त में आपके एंसेस्टर्स, उनकी प्रेजेंस आपको बहुत फील हो सकती है, ठीक है। आप उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, ड्रीम्स में आपको गाइडेंस देंगे, ठीक है, आपको मैसेजेस देंगे फॉर श्योर, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर अब जो है ना एक अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को पाने जा रहे हो। इस प्रोसेस के बाद आपकी लाइफ में वो स्थिरता आएगी, जिस स्थिरता को, जिस स्टेबिलिटी को आप लोग अपनी लाइफ में मिसिंग कर रहे थे, जिस हैप्पीनेस को आप यहाँ पर मिस कर रहे थे, ठीक है। जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पर यही बता रहा है कि ये जैसे कि ये ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्पस, जिस पर्पस पर आप अब आओगे या आ रहे हो,
ये पर्पस आपके पिछले लाइफ टाइम का भी हो सकता है माय डियर, कि आप वहाँ पर ना, ये पिछले जन्म से कुछ कनेक्शन है इस चीज़ का कि आपको वहाँ पर चांस दिया गया, ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ को, उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए, उसको पूरा अचीव नहीं कर पाए, तो अब यहाँ पर वो आपको मौका दिया जा रहा है इस लाइफ टाइम में, इस इनकार्नेशन में, ठीक है। और पहले भी आपको कुछ मौके, शायद एक आध मौका दिया गया है, ठीक है, और अगेन आपको वो मौका दिया जा रहा है कि अब उस तरफ आगे बढ़ने का। तो मैं कहूँगी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो माय डियर, जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है ना, उसे आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में ये डाउट है ना कि मुझे वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आप खुद एक लेक मेंटेलिटी में जी रहे हो, ठीक है, ये आपके खुद के थॉट्स हैं जो आपको बोल रहे हैं, अदरवाइज वहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत है, ओके। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए, तो ये वक्त में आप लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस आप लोग बहुत करने वाले हो, डिवाइन के बहुत ज़्यादा करीब होगे, और भी ज़्यादा करीब, प्रार्थनाओं पर आपका बहुत ज़्यादा विश्वास होगा, और इस वक्त में जो भी प्रार्थनाएं आप लोग करेंगे ना, डेफिनेटली वो सुनी जाने वाली है 101%। मैं उल्टी सीधी प्रार्थनाएं नहीं बोल रही हूँ, कि कुछ भी मांग लेना, कुछ भी कह देना, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए, फॉर श्योर, ठीक है। तो जो चीज़ डेफिनेटली आपकी लाइफ से ख़त्म होनी है, अगर उस चीज़ को रोकोगे तो वो चीज़ तो नहीं पॉसिबल होगी, लेकिन हाँ, आगे सब कुछ अच्छा हो और आपको सही रास्ता दिखे, आप सही पाथ पर आगे जाएं, और जो भी, मतलब जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए, अगर वो चीज़ अगर आप मांग रहे हो, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाने वाली हैं, ठीक है। ये वक्त, इस टाइम पीरियड में आप लोगों की हीलिंग भी हीलिंग की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, हीलिंग यहाँ पर हो रही है, आपके हार्ट चक्रा को, आपके सैक्रल चक्रा को ना यहाँ पर हील किया जा रहा है, ठीक है। सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, ठीक है, आपको अपने चक्रास पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। नीचे के जो फोर चक्रास होते हैं ना, उन पर फोकस कीजिए, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और हार्ट चक्रा, इन चार चक्रास पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, उन पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इस समय में जितना हो सके मेडिटेट करें, जितना मेडिटेट करोगे आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। और इस कार्ड को मैंने क्लैरिफाई आपको कर दिया कि ब्लॉकेज क्या है आपकी, कि आप ओपन हो जाओ, ठीक है, इन चीज़ों से, इन वूंड से आपको बाहर आना है। ये जो भी आपको यहाँ पर इस समय दिखाई दे रहा है ना, देखो आपका सिचुएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बदलाव, पुरानी चीज़ें खत्म हो रही हैं, नई चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, और आप अपनी ऊर्जा देख रहे हो। आपको यहाँ पे ग्राउंडेड रहना है, काम रहना है, शांत रहना है, नेचर से कनेक्ट हो, डिवाइन से कनेक्ट हो। इस वक्त में जितना आप उनसे कनेक्ट रहोगे ना, आपकी वाइब्रेशंस भी हाई होंगी, और उतनी ही जल्दी आप इस सिचुएशन को, ये जो ट्रांजिशन मोड है ना आपका, इसे आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है, और रेजिस्टेंस में नहीं आओगे, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और अगेन ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए यही है कि अपने आप को ना इस मोड से बाहर निकालो, नेगेटिविटी से बाहर निकालो, ट्रांसम्यूट करो अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है, शिफ्ट लेकर के आओ। कैसे शिफ्ट लेकर के आओगे, मैं आपको एकदम से बोलूँगी कि भैया पॉजिटिव हो जाओ, तो आप तो नहीं होगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करो, साइलेंट में जाओ, और वो काम को करो जो आपको करना पसंद हो, ठीक है। मैं कहूँगी ये किस्म का अपने माइंड को धोखा देने वाली बात है उस वक्त, ठीक है। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो इस पोजिशन में, तो वो काम करो कि जो काम आपको करना पसंद है, शायद इस मूमेंट पर ना आप उस चीज़ से कनेक्ट हो जाओ जो आप करने आए हो। अगर आपको अभी भी नहीं मालूम है कि आपको करना क्या है, ठीक है, आपका पर्पस क्या है डेफिनेटली, और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे हिंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उस काम को करो जो आपको करना पसंद है, अपने माइंड को डाइवर्ट करो, ओके। आपका सबसे बड़ा यही है कि अपने फोकस को आपको ठीक रखना है, उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, और अपने आप को ना नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में टैप इन करवाना है, या फिर मैं कहूँगी कि जो नेगेटिव वाइब्रेशंस में आप जा रहे हो ना इस वक्त में, ठीक है, वहाँ से आपको उस एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना है। हर वो काम करें जो आपको करना पसंद हो, दोबारा से बच्चे बन जाओ इस वक्त में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। माइंड को थोड़ा सा धोखा दे दो, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ ट्रैक पर आ रही है, ठीक है, आप माइंड से स्ट्रांग बन रहे हो, ठीक है, आप उस काम को हंसी खुशी कर पा रहे हो जो आप यहाँ पर करने आए हो, ओके ओके, लेट्स सी। गॉडेस की तरफ से आपके लिए इस महीने क्या गाइडेंस है, थैंक यू माँ, प्लीज बताएं। मैं बच्चों को इस मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहती हूँ, मैं यहाँ मार्च मंथ के लिए,
ओह माय गॉड, आपके लिए आए हैं साइकिल एंड रिदम। डेफिनेटली ये शिफ्ट्स हैं, ये साइकिल है। ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। तो इस समय आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट करेगी, आपके इमोशंस अप एंड डाउन होंगे डेफिनेटली, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है माय डियर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर उन्हें ऑनर करना है, ठीक है। आपको इस सिचुएशन को, इस सिचुएशन से अपने आप को किस तरीके से बाहर लेकर के आया जाए। यहाँ पर फाइट नहीं करना किसी चीज़ से कि मुझे तो लड़ना है इस चीज़ से, वो वाली एनर्जीज में नहीं आना, आपको लाइट एनर्जीज में आना। मैंने बोला है ना, अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करो। कैसे? जो आपको काम करना पसंद है, मैं कहूँगी कि अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, गाना गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, वो करो। बचपन में आपको क्या पसंद था? कार्टून्स, मूवीज़ देखना, शॉपिंग करना, क्या करना पसंद है? हर वो काम करो जो आपको करना पसंद था, ठीक है। आपको बोला जा रहा है इस फेज से आप तभी निकलोगे, इस फेज में रह करके ना, ये एक बदलाव है। इस बदलाव के दौर से हर इंसान गुजरता है, ठीक है। ये शिफ्ट हर किसी की लाइफ में आता है, तो इसे ऑनर करो आप, ठीक है। और इससे इसको इसके लेकर के ना रेजिस्टेंस में नहीं आओ कि नहीं मुझे मेरी लाइफ में चेंज नहीं चाहिए, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। आपको पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है। अपने माइंड को धोखा देना है, मैं एक नॉर्मल वे में बोलूँ तो धोखा देना है माइंड को, ठीक है। वो नेगेटिव होगा, आपको उसको पॉजिटिव करना है। कैसे करोगे? हर वो काम करके जो आपको करना पसंद हो, ठीक है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। पेट्स हैं तो पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर लोगों की मदद करके आपको खुशी मिलती है तो वो करो। जो करना आपको पसंद है ना वो करो। कुकिंग करना आपको पसंद है, कुकिंग करो। तो हर उस काम को आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। इस समय आपको बोला जा रहा है वाओ, आपकी ना इनर विजडम यहाँ पर ओपन हो रही है, क्योंकि आप लोग मेडिटेशन भी कर रहे हो, डिवाइन कितने ज़्यादा करीब हो। देखो इनर विजडम का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि इस वक्त में आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना है, ठीक है। और आपकी इनर विजडम, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, उस बेसिस पर आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, ओके। तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन के, माँ काली के, भोले बाबा के क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू, क्या ब्लेसिंग्स है जो आपकी तरफ आने वाली हैं, माँ और बाबा भेज रहे हैं आपकी तरफ मार्च मंथ में, प्लीज बताएं माँ। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, तो बेसिकली एनिमीज की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो भी दुश्मन की अगर बात की जाए वो तो है ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ काली जो है ना आपको ब्लेस कर रही हैं, वो आपका साथ दे रही हैं। ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हो ना, आप उसमें विक्टोरियस रहोगे अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो, ठीक है। आपको आपका वो साथ दे रही हैं इस पर विजय हासिल करने के लिए, ठीक है। और जो भी निगेटिविटी आपकी लाइफ में थी ना, उनको रिलीज करने में माँ आपकी यहाँ पर मदद कर रही हैं, ओके। तो माँ को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, या जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपको आगे लेकर जा रहे हैं, सही पथ पर आपको आगे लेकर जा रहे हैं। तो यस, उनको थैंक यू बोलना तो बनता है, ठीक है। तो यस एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।